रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चंद्रा में रोडवेज की बसें नहीं आने पर ग्रामीणों तथा विद्यार्थियों ने आक्रोश जताया है। आक्रोशित ग्रामीण तथा कई विद्यार्थी सोमवार को ब्यावर रोडवेज आगाज पहुंचे तथा डिपो मैनेजर ताराचंद आजाद से मुलाकात कर रोडवेज बसों के चंद्रा नहीं आने पर आक्रोश जताया। डिपो मैनेजर से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों तथा विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय से ब्यावर डिपो के चालक परिचालक अपनी मनमानी करते हुए चंद्रा के यात्रियों के पास वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें बाईपास पर उतार देते हैं और विरोध करने पर अभद्रता पर उतर आते हैं। इस दौरान चालक परिचालक वृद्धजनों दिव्यांगों तथा महिलाओं का भी ध्यान नहीं रखते हैं। आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने बताया कि रोडवेज बसों के चंद्रा नहीं पहुंचने के कारण उन्हें मजबूरी में अन्य साधनों से यात्रा करनी पड़ रही है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को डिपो मैनेजर से मुलाकात के दौरान चंद्रा निवासी एक विद्यार्थी छात्रा शीतल प्रजापति ने बताया कि दो दिन पूर्व वह बर्ड से चंद्रा आने के लिए उसने बरविंडो से चंद्रा का टिकट लेकर ब्यावर डिपो की बस से यात्रा शुरू की थी। शीतल ने बताया कि इस दौरान बस के चालक तथा परिचालक ने मनमानी करते हुए बस को चंद्रा बस स्टैंड पर नहीं ले जाकर उसे कई बार बाईपास पर उतर जाने को लेकर परेशान किया, लेकिन वह नहीं उतरी तो बस चालक उसे ब्यावर लेकर आया गया। इस दौरान रास्ते में कई बार चालक तथा परिचालक ने उसके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए परेशान किया। शीतल ने बताया कि बस स्टैंड पर इसका विरोध करने पर ब्यावर डिपो की ओर से बस को पुनः चंद्रा भेजकर उसे छोड़ा गया। शीतल का आरोप है कि इस दौरान डिपो मैनेजर को बस के चालक तथा परिचालक के खिलाफ दी गई शिकायत पर अब तक डिपो की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण चालक परिचालक अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं और अब भी बसें चंद्रा नहीं लेकर आ जा रहे हैं, जिसके कारण चंद्रा से बर्थ तथा ब्यावर के लिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार एक अन्य छात्रा हिमांशी टाक ने भी बताया कि बस चालक तथा परिचालकों की मनमानी लंबे समय से चल रही है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को तथा ग्रामीणों को उठाने पड़ रहा है। हिमांशी ने हर हालत में बसों को चंद्रा स्टैंड पर भेजने की व्यवस्था की मांग की है। इस संदर्भ में डिपो मैनेजर ताराचंद आजाद ने बताया कि समस्याओं को लेकर आज चंद्रा को ग्रामीणों ने भेंट की है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए डिपो के चालकों तथा परिचालकों को चंद्रा बस स्टैंड पर जाने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही अन्य डिपो के अधिकारियों को भी इस बाबत पत्र लिखा गया है। महिलाओं, दिव्यांगों तथा छात्राओं के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के सवाल पर आजाद ने बताया कि इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अगर कोई लिखित में शिकायत मिलेगी तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम हिमांशी टाक। हाँ, क्या मामला है अभी आप ब्यावर हैं? ब्यावर हमारा ये मामला है कि ब्यावर डिपो की बसें है वो ना तो सेनड़ा अंदर आती है, टिकट मांगते हैं तो कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, वो ना तो बुजुर्ग देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना लेडीज देखते हैं, बदतमीजी करते हैं। और हम अगर उनसे कुछ पूछिए बाद में बोलते तो हमको सीधा ये बोलते हैं, आज तो दिख गए इस बस में, आज के बाद मत दिखना। ये हमारे साथ आज तक 2 से 3 बार ब्यावर डिपो की बस में हुआ है। चांद गेट पे जाते हैं, चांद गेट पे जाके टिकट मांगते तो वो बोलता है कि बस आ रही है, बस वाले से पूछना, अगर वो टिकट दे देता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी कोई वो नहीं है, वो सीधा हमको ये बोलते हैं। अभी यही मामला है, 2 दिन पहले हमारी बड़ी बहन है, उनको बस से वो ब्यावर लेके आ गया, ब्यावर डिपो की बस वाला, सेंदड़ा का टिकट था, उसके बावजूद भी सेंदड़ा अंदर नहीं आया, बस से ब्यावर लेके आ गया। फिर ब्यावर से हमने कार्रवाई की, तब वो सेंदड़ा लेके आया बस को, और वो भी नाइट की बात है अंकल, 8 बजे की। ऐसे तो कोई बच्ची होगी तो वो बच्ची के साथ भी ऐसे करेंगे क्या? बच्ची हुई, बुजुर्ग हुई, बुजुर्ग के साथ, हमारे सामने बुजुर्ग के साथ बस में बदतमीजी हुई है कि आपकी वजह से हमारी बस लेट हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। तुमको पैसे दे रहे हैं, सेंदड़ा बस अंदर लाने के लिए दे रहे हैं, तुमको क्या लेट आगे पीछे रेस करनी है क्या बस वाले से? इसलिए थोड़ा ना पैसे दे रहे, तो बस आनी चाहिए सेंदड़ा, चाहे सवारी हो नहीं हो, बस सेंदड़ा अंदर आनी चाहिए। बर से सेनेडा का टिकट लेके रोडवेज बस में ब्यावर डिपो में बैठी, पर ब्यावर डिपो के चालक व परिचालक के द्वारा मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। मुझे टिकट दिया, टिकट देने के बाद में मुझे जगह जगह बस रोक के मुझे बोला गया कि आप यहाँ उतर जाओ, वहाँ उतर जाओ, वहाँ उतर जाओ। मैंने कहा मैं यहाँ वहाँ कैसे उतर जाऊँ, जब मैंने सेनेडा का टिकट लिया है तो मुझे सेनेडा ही जाना है। मुझे ब्यावर लेके आ गए, ब्यावर में काफ़ी देर हंगामा वगैरह हुआ, मुझे उतारने का यहाँ प्रयास किया गया, मैं नहीं उतरी, फिर पुनः ये बस सेनेडा ले जाके मुझे ब्यावर छोड़ा गया। ऐसे करके आए दिन समस्या बढ़ती रहती है, कभी ये कोई बुजुर्ग होते हैं उनको भी उतार देते हैं, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ भी ये होता है, जैसे ये ब्यावर के लिए सेनेडा के लिए जाते हैं, ब्यावर से बैठते तो इनको बर ले जाते हैं, बर से ये सेनेडा के लिए आते तो इनको ब्यावर ले जाते हैं, ये ऐसी ऐसी इनकी हरकत है। आज हम इसको लेकर ये मुख्य प्रबंधक को हम इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं, इतना होने के बाद भी इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इनकी हरकतें वो क्यों हुई है? आज सुबह भी यही हुआ, ब्यावर डिपो की बस वालों ने महिलाओं को बाईपास पे उतार दिया, और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी, और मुझे यही उम्मीद है कि हमारा आगे से ये हमने जो ये छेड़ा है
अभियान इसको हम आगे तक लगातार जारी रहेंगे। हाँ सर, हम वहाँ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है और वहाँ पे यह प्रबंधक वगैरह भी आए थे सेनड़ा में थाने में और उनसे भी वार्तालाप की थी, परंतु यहाँ पे डिपो से लेकर अभी बसों में या रोडवेज बसों में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी तक भी ग्राम में बसें नहीं आ रही, तक कम से कम 50 कॉलेज के छात्राओं की पढ़ाई छूट चुकी है। आज क्या मामला हुआ? आज ये मामला हुआ कि सुबह ब्यावर डिपो में सेनड़ा में आने वाली सवारियों को बाईपास पे उतार दिया गया, इसीलिए ग्रामीण आक्रोश हुए और यहाँ पे डिपो में आए और ज्ञापन दे रहे और समस्या का समाधान मांग रहे हैं। सभी कर्मचारियों को जो भी मेरे ब्यावर डिपो के हैं और संबंधित डिपो के जो भी वाहन है वहाँ आती है, सभी को मैंने अभी पत्र लिख दिया है और मैंने मेरे कर्मचारियों को भी सबको पाबंद कर दिया है कि जिस वाहन में सेनड़ा बस स्टैंड, सेनड़ा जो स्टैंड है मशीन में, तो वो वाहन जो है वो सेनड़ा स्टैंड पर जाएगी, अन्यथा जो नहीं लेके जाता है चालक परिचालक, तो उनके खिलाफ अनुशासनकारी अमल में लाई जाएगी। सर, ये कंडक्टर साहब है जो विकलांग जो सवारी है उसको धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था आज, उसको विकलांग जो भी आके धक्का देगा सर, तो मेरे को उसके पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो मेरे को लिखित में प्रस्तुत करे, अगर वो विकलांग है वो खुद मेरे पास खुद नहीं आ सकता, किसी के थ्रू भी वो मेरे को अपने लिखित में मेरे को प्रॉब्लम देवे, मैं उसके चालक परिचालक जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। फिर भी मैंने बुकिंग वाले को पाबंद कर दिया है कि वो भी जो है वो गंतव्य स्थान में जो है सबके स्टैंड के टिकट देंगे, सबको पाबंद किया है मैंने। आज सभी संबंधित डिपो को जिस डिपो की इस रूट पर गाड़ी जाती है सभी डिपो को मैंने पत्र लिख करके और सभी को पाबंद करने का, समस्त चालक परिचालकों को पाबंद करने का निर्णय लिया।